संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। विगत डेढ़ वर्ष से व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सैलून संचालक दुकानें खोलने की अनुमति न मिलने से भी परेशान है। सैलून संचालकों का कहना है कि डेढ़ वर्षों से दुकान बंद है, ऐसे में परिवार के पालन पोषण का संकट हो गया है। उन्होंने बताया कि नासिक में शर्तों के साथ व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है तो नागपुर में क्यों नहीं। यदि स्थानीय प्रशासन नियमावली दे तो उस आधार पर दुकानों को खोला जा सकता है। दूसरी ओर ग्राहक भी परेशान है, वे दुकानें खुलने की राह ताक रहे हैं, दुकानदारों से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अनुमति न होने का हवाला सैलून संचालक दे रहे हैं। शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा मी जाहीर निषेध करतो। शासनाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील इतर सर्व व्यवसाय सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि सलून पार्लर व्यवसाय बंदच राहील अशा सूचना दिल्या। म्हणजेच नाभिक समाजावर कुठेतरी अन्याय होत आहे। या संदर्भात आज जिल्ह्यातील नाभिक संघटनांची मीटिंग झाली। या मीटिंगमध्ये 1 जूनपासून शासनाने इतर व्यवसायांना दिलेल्या वेळेप्रमाणे उद्या 2 तारखेपासून सलून पार्लर सर्व व्यवसाय सुरू राहतील असा निर्णय घेण्यात आला। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज नागपूर।